नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चनों की, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं। और यह सीरीज के काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हो, आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो एमपी पुलिस में आने वाले एग्जाम हैं उनमें, और व्यापम में जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि एक ताजे फल में 62% जल निहित है तथा एक सूखे फल में 24% जल निहित है। 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, अपन को दिए हैं 100 किलोग्राम ताजे फल, और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ताजे फल है वो 62% जल निहित है इनमें, और निकालना कितना सूखा। तो इसका अगर बात करें तो मैं इसको सूखे फल निकालना है 100 × 100 − 62 कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको 100 ग्राम में से जो ड्राई फल है यानी सूखे फल है वो निकालना है, जबकि 62% क्या है, जल में निहित है। बराबर किसके? अब यहाँ पे बोला गया है कि ये 24% जल है उसमें, सूखे फल हैं उसमें 24% जल है, तो जल निकालना है तो 100 − 24 करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे नीचे, 100 − 24 करना पड़ेगा तभी सूखे फल, इंटू एक्स, तभी तो ये जो किलोग्राम है उतना निकलेगा। तो आप यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 × 338, तो ये 100 यहाँ पे है ही है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7 76। ओके, तो आप देखोगे यहाँ से ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 से 100 बार जाएगा, तो 50, तो एक्स बराबर आ गया 50। तो 50 जो रहेंगे वो सूखे फल रहेंगे, 50 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं, यदि समूह की संख्या का और योग 156 है तो समूह में सबसे बड़े सदस्य की आयु क्या होगी? सिंपल सा है दोस्तों क्वेश्चन। देखो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फर्स्ट एक आदमी की एक्स है, ये सम संख्या है, अगली सम संख्या क्या होगी, यानी बोला गया है कि क्रमशः, ओके, 4 लगातार, ओके लगातार बोला गया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x+2 कर सकता हूँ, क्योंकि लगातार बोला गया है। अगर मैं इसी सम संख्या मांग रहा हूँ तो x+2 करना पड़ेगा, तो तभी सम संख्या आएगी दूसरी। फिर उसके बाद x+4 कर देता हूँ, फिर x+6 कर देता हूँ, तो ये 4 संख्याएं हो गई, 4 लोगों की आयु हो गई, किसके बराबर है, 156 इनका योग है। तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, एक्स कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4x बराबर हो जाएगा 156। अब देखो यहाँ पे ये 6 और 4 10 और 12, 12 इसमें से माइनस कर दो 156 में से, ये कितना आ जाएगा 144, यानी अब एक्स के वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा 4 3 12, 4 6 24, यानी 36, एक्स बराबर आ गया 36। अब यहाँ पे बोला गया सबसे बड़े सदस्य की आयु, सबसे बड़े सदस्य की आयु क्या मानी थी, x+6 मानी थी, तो बस यहाँ पे एक्स पुट कर दो, तो जो 36 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 42 आंसर। तो सबसे बड़ा सदस्य वो 42 का है, सबसे छोटा जो है वो 36 का है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है, माध्य 0.4 बढ़ जाता है, तो एक माध्य माना समूह में जोड़ा जाए तो नया मान क्या होगा, एक माध्यमान समूह में जोड़ा रहा है तो मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं 20 के एक समूह का औसत की बात करता हूँ, तो टोटल निकाल लेता हूँ, तो क्या करूँगा मैं 15.8 × 20 कर देता हूँ, तो ये टोटल आ जाएगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पे 8 2 8 16 1 10 1 2 316, इस तरीके से आएगा, 2 8 16 1 2 5 10 11 2 3 316, तो 316 ये आ गया। बराबर किसके कर देता हूँ मैं, इन्होंने बोला गया है कि जो एक संख्या जोड़ी जाती है उसमें माध्य यानी एवरेज कितना बढ़ जाता है, मीन कितना बढ़ जाता है, 0.4, पहले कितना था 15.8, अब इसमें 0.4 बढ़ा देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 यानी 16.2 आ जाएगा। ओके, तो ये 16.2 आ गया, संख्याएं कितनी हो गई, 16.2 संख्याएं कितनी हो गई, 21, क्योंकि एक बढ़ा दिया है। तो बस आपको जो नया मान जो निकलेगा
उसको आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 दूनी 42 4। ओके दशमलव में लगा देता हूँ यहीं पे, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 12 यानी 4 0 13, और 13 और 21 कितना हो जाता है, 4 3 यानी ये आ जाएगा 340.2। ओके 340.2, तो ये आ गया 340.2। और पहले का मान कितना था, 20 संख्याओं का, 20 संख्याओं का था कितना, 316 था। ओके 316 ये था पहले का। अब आप इन्होंने पूछा है कि जो नया मान है वो कितना है, नया मान पूछा है ना। अब ये वाली जो है वो बात करें तो ये कितनी, 21 संख्याएं थी, ये वाली कितनी थी, 20। अगर मैं इनमें से मान घटा दूं दोनों को, तो जो एक माध्य मान जमान जोड़ा गया था वो वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इसमें से घटा देता हूँ, 316 इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 24.2 इसका आंसर आ जाएगा, 24.2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इमरान और अकबर की उम्र 3/4 के अनुपात में है, यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5/6 होगा तो इमरान की वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। मैं मान लेता हूँ इमरान और अकबर की 4x 3x 4x। ओके अब इन्होंने बोला है 16 वर्ष बाद, तो मैं अगर इसमें 16 जोड़ दूँ यहाँ पर और इसमें भी 16 जोड़ देता हूँ तो कितनी हो जाता है इनका रेशियो, 5/6। बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो जिसकी भी इमरान की अकबर की दोनों की वैल्यू पता पड़ जाएगी अपन को। बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 36 18। ओके और ये कितना हो जाएगा, 6 6 और 3 9 9 96 बराबर ये हो जाएगा 20x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 5 80। तो आप देखोगे यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी ये 2x बचेगा, और 80 और 96 में से 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16। तो x बराबर आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया आपको। अब इन्होंने बोला है कि इमरान की तो 3x मानी थी, x की वैल्यू अपन को पता पड़ गई 8, तो बस यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगी 24। तो इस तरीके से इमरान की जो उम्र होगी वो 24 हो जाएगी। अगर यहाँ पे अकबर की पूछा जाती तो क्या कर देते, 4x में 4x की जगह क्या रख देते, 8, तो ये हो जाता 32। तो 32 उम्र हो जाती अकबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ए बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, ए एवं बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है, और बी और सी का औसत वजन कितना दिया है, 60 किलोग्राम है। तो बी का वजन आपको निकालना है। तो मैं अगर औसत वजन बात करूं ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वेट क्या निकालूंगा, ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 55 में कर देता हूं, तो टोटल निकल आएगा इनका, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 53 15, 15 15 1 16, 165 हो जाएगा। वहीं ए बी का निकाल लेता हूँ मैं इसी तरीके से, ए बी का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी का निकाल लेता हूँ मैं, बी सी का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली जो संख्या है ये वाली, तो यहाँ पे मैं ये तो बी रख सकता हूँ, यहाँ पे इधर ले जाऊँगा तो ये बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, और सी के यहाँ पे इधर ले जाके ना सी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इधर जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस बी प्लस बी बराबर प्लस ये वाला बी थाई। अब सी के यहाँ पे वैल्यू निकलेगी तो 120 माइनस बी बराबर कितना दिया है, 165। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकल आएगी, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये 200 200 ये हो रहा है 220। ओके 220 हो रहा है, 200 220 मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बी 100 माइनस बी प्लस बी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 माइनस बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 165।
तो आप देखोगे ये बी से बी माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस बी बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 220, 220 माइनस कर देंगे इसमें से तो ये कितना वैल्यू निकल आएगी बी की, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगी 5, एक यहाँ पे बचा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 21 में से 16 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो बी की यहाँ पर उम्र, बी का जो वजन होगा वो हो जाएगा 55 किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 बस्तियों की लागत यानी कॉस्ट प्राइस 10 बस्तियों की विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ का परसेंट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ इसका, देखो 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 10/15, यानी ये आ जाएगा 5 दुनी 10, 5 3 15, 3/1 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला लाभ, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 और बेच कितने में रहे हो 3 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाभ परसेंट जब भी निकालना रहता है तो लाभ परसेंट जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो लाभ अपॉन क्या कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ कितना हुआ 1 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2 × 100 बराबर कितना आ जाएगा 50%, तो 50% इसको लाभ हो जाएगा जब वह 15 जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल है वो सेलिंग 10 सेलिंग प्राइस के आर्टिकल के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 81, 72, 63, 55, 43 और 34 का औसत निकालना है। सिंपल सा है, मैंने आपको एक सी एक ट्रिक बताई है कि ऐसी वैल्यू अगर दी जाए तो आप जोड़ोगे फिर उसको, वह काफ़ी टाइम लग सकता है, आप इसमें से एक मीन वैल्यू मान लो, मैं मान लेता हूँ 50 है। अब देखो 50 से 81 कितना दूर है, मतलब कितना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 31 ज़्यादा है। 72 कितना है, 72 हो जाएगा 22, और 63 कितना है 13, 55 कितना है 5। ओके अगला देखोगे आप तो ये कितनी -7 है, माइनस कम 7 है, इसमें अगर 7 जोड़ोगे तो ये माइनस की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितना बता 6, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 16, तो माइनस के ये 16 आ गई। अब आप इसमें क्या करो, ये माइनस का 16 है माइनस का 7 है, तो इन्हें जोड़ोगे तो आप कितना हो रहा है ये 23 माइनस के, तो इन्हें भी क्या कर लो आप, इन अब जो प्लस की संख्या है और ये माइनस की है तो इन्हें सब जोड़ के इसमें से घटा दो, तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ इसको 23 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा ये 10 बचेगा 10। ओके तो 10 ये बचेगा, तो यहाँ पे बात करें तो ये कितना बचेगा 12, 12 ये बचेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर 12 ये बचा 31, और ये तो ये कितना हो जाएगा 36 और 12 इन्हें जोड़ दो आप तो ये 48 हो जाएगा। अब ये 48 बचा आपका, 48 बचा, टोटल संख्याएं कितनी है 6 हैं, तो 6 से इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा 6, 8 बार। ओके 8 बार गया तो जो 8 आया, अब मीन वैल्यू कितनी मानी थी 50 मानी थी, तो इसमें बस 8 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 58 इसका आंसर। ओके तो आपको एक बेस वैल्यू मान लेनी है और फिर उसमें से जो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है उनको घटा देना बढ़ा देना, जो भी लास्ट की संख्या बचे फिर जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है उनसे डिवाइड कर दो और जो बेस मैंने वाली है उसमें प्लस कर दो, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रोल आ गया, एक चोर 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है, चोर दौड़ना आरंभ करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी चोर कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। मैं मान लेता हूँ ये 200 मीटर दूरी है, यहाँ पर पुलिस खड़ी है और यहाँ पर चोर खड़ा है, इसकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है चोर की और पुलिस की है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या करो ऐसे क्वेश्चनों को, या तो ऑप्शन से देख लिया करो या आप खुद अनुमान लगा लो। मैं मान लूँ कि अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखोगे आप ये देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 1100 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, तो देखो आप अब ये भी तो जुड़ेगी इसमें वैल्यू क्योंकि ये ज़्यादा है। ओके तो ये ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो रहा है तो ये 1200 हो जाएगा, तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू ये वाली दोनों सेम आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये तो 1100 जबकि ये 1200 है, तो ये तो नहीं ऐसे नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
ये 11 ये 10 है। अगर मैं इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पहली बात तो ये मीटर में है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 2200 हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये हो रहा है 2000, लेकिन ये 200 भी तो है, ये भी तो ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे चल रहा है। तो 200 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। तो देखोगे आप दोनों की बराबर दूरी आ गई, तो मतलब कितना ये हो जाएगा, 2200 मीटर में दूरी रहेगी, वहाँ पे पकड़ लेगा पुलिस। तो किलोमीटर में दी हुई है, तो बस आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2.2 किलोमीटर, इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 23। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका रूट अगर मैं निकालूँ किसी तरीके से, मैं क्या करता हूँ इसमें क्या उतना जोड़ दूँ, 2 जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखोगे आप, ये एक फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलोगे ना, तो यही वैल्यू निकलेगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये निकला, तो यहाँ पे पूछा क्या गया, गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो बस यहाँ पे अब ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो बस आप इसका रूट ले लो, क्योंकि 2 स्क्वायर इधर पूरा है तो इधर जाएगा, तो 25 का रूट हो जाएगा, तो क्या जाएगा, प्लस माइनस 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि SPQ यानी ये वाला एंगल कितना दिया है, 65 दिया है, और SQP ये वाला दिया है 70 टोटल। तो PRQ, ओके, तो यहाँ पे देखो PRQ का ये वाला एंगल जो है ना, वो निकालना है आपको ये वाला। तो देखो मैं यहाँ पे बात करूँ, पहली बात तो कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, बजाएं ये वाली समांतर होंगी, और ये क्या होगा, ये पूरी इस पे समांतर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से ये दिया हुआ है, अब ये वाला एंगल तो दिया है 70 इन्होंने, ओके, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये सेंटर से क्रॉस हो रही है, बाकी कुछ ऐसा दिया नहीं है उन्होंने, तो सेंटर से क्रॉस हो रही है। तो आप देखोगे ये वाली लाइन जो है ना, वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 110 यानी 110 बचेगा, ये पूरा 180 है, तो 70 ही है तो 180। अब ये वाला एंगल कितना दिया है, 65 दिया है, ये वाला एंगल 65 दिया है। तो आप देखोगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर मैं पैरेलल मान लूँ, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैरेलल मान सकता हूँ इसे, ओके, तो पैरेलल मान लेता हूँ मैं इसे। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये 110 है तो ये 110 है, जबकि ये पैरेलल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखो 65 ये है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 110 में से इसे घटाऊंगा मैं, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यानी 45। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 45, ये वाला 45 और ये 65 दिया है। तो आप देखोगे जब मैं इसे सेंटर मान रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसी भी वृत्त में क्या हो, समान होती है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यानी ये जो भुजाएं ये वाली दोनों बराबर होंगी। जब इस पे 45 एंगल बन रहा है, तो इस पे भी 45 एंगल बनेगा, क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर का जो एंगल होता है उसके जो विपरीत होता है वो बराबर होते हैं। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था, इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 के पहले 5 दो अंकों वाली गुणांकों का माध्यिका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन पूछा है इनका। तो देखो मीन किसी भी निकालना है तो क्या होता है, अगर संख्याएं दी हुई है तो उनको या तो असेंड बढ़ते हुए क्रम में लगा दो या घटते हुए क्रम में लगा दो, उनका जो बीच में आता है वही उसका मीन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मुझे 5 संख्या है और 4 का गुणांक है 2 अंकों वाली संख्या है। तो 4 का गुणांक दो अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले होती है 12, उसके बाद होती है 16, उसके बाद होती है कितनी, 20, उसके बाद होती है 24, उसके बाद होती है 28, इस तरीके से होती हैं। तो एक तो पहली बात तो ये बढ़ते क्रम में लग गए हैं,
तो यहाँ पे माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होगा जो बीच वाली संख्या है। पहली बात तो ऑड जो है ना, पांच अंकों की फाइव डिजिट बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दो पाँच है ना, तो लास्ट जो ऑड है वो 20 हो जाएगा, तो बस यहीं का जो मीन जो निकलेगा वो हो जाएगा 20। ओके, अगर यहाँ पे मान लो सम संख्या बोल देती थी, यहाँ पे 6 बोल दी थी, तो जो बीच वाली दो लास्ट की बीच वाली दो संख्या उनको ऐड करके ना 2 से डिवाइड कर देते तो उसका माध्य निकल आता, मीन निकल आता। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इक्वेशन दिया है और आपको इसको डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड करते हैं, प्लस एक्स माइनस के 72 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स माइनस 8 का डिवाइड करता हूँ, तो इसका आपको भागफल निकालना है। या तो आप सीधा सीधा देखो इसमें जो ऑप्शन दिए उन्हीं से निकाल लो, पहले मैं एक्स का इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी ये हो जाएगा 9x, और बचा कितना यहाँ पर -72। तो अब देखोगे यहाँ प्लस 9 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो आएगा 9x, माइनस का कितना 972, तो बस ये इसका पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 9 इसका आंसर हो जाएगा जो कि भागफल होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोशिश तरह का रेड बटन दिया होगा और एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आपको PDF मैगजीन करेंट अफेयर्स की PDF और न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।